नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बरेली के आंवला में एक संस्था ने किया फ्रॉड, लोगों का पैसा किया जमा, लाखों रुपए नहीं दे रही। आंवला में खोली गई एक संस्था ने जनता के साथ फ्रॉड किया। सैकड़ों महिलाओं के पैसे जमा करने के बाद संचालक फरार हो गया। अब महिलाएं अपना पैसा लेने के लिए भटक रही है। महिलाओं ने तहसील पहुंचकर एसडीएम से शिकायत की। उन्होंने एसडीएम से पैसा वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। बरेली संवाददाता अमर शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला है जब? ये एक संस्था खुली थी कलपोर्ट के नाम से, अब से लगभग 14-15 वर्ष पहले। इन्होंने क्षेत्र की महिलाओं से, गरीबों से, वैसे लोगों से एजेंट तैयार करके और पैसा उगाया। फिर रसीदें भी दी, कुछ महिलाओं को रसीदें भी नहीं दी, वो फिर वापस ले ली। इस तरह से इन्होंने, इसमें मुख्य रूप से ये दो एजेंट हैं यहाँ के। कहाँ का? एक एजेंट है मौलिया आफ्ताब अहमद। कहाँ के निवासी? मौलिया। अच्छा। दूसरा एजेंट यहीं से पुराना, वो ये हॉस्पिटल है ना, सॉरी लड़की पार्ट इंटर कॉलेज, लड़कियों का ये इंटर कॉलेज है, कन्या इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज, यहाँ सामने उन्होंने ऑफिस खोला। इसी के सामने को वो जमालुद्दीन, आपस में दोनों रिश्तेदार भी हैं। वो दूसरे वाले क्या नाम है? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन, इन्होंने एजेंट बन करके कई सौ महिलाओं से रुपया कलेक्शन किया, उससे अपना साम्राज्य खड़ा किया। किसी का बाद में कंपनी फरार हो गया, संचालक फरार हो गया। संचालक फरार हुआ तो कायदे में संचालक के साथ साथ इन पर भी कार्रवाई। पैसा तो यही लूट के लाते हैं ना गरीबों से। मैं भुक्तभोगी, मेरी पत्नी का पैसा है 77,000। लगभग टोटल सब लोगों को पैसा कितना होगा? वो तो लाखों में है महोदय, वो लाखों में है पैसा। कहीं वो कुछ रसीदें भी हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ।